एमक्यूएम ने जबरदस्ती वजीर आला हाउस जाने की कोशिश की। कराची काम खराब करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। वजीर इत्तलात सिंह सईद गनी का कहना है कि एमक्यूएम की सियासत लिसानियत की बुनियाद पर ही चलती है। मुखालिफीन के कहने पर 2001 का बल्दियाती निजाम किसी सूरत बहाल नहीं होगा। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में बल्दियाती निजाम से मुतालिक डायलॉग हुए हैं, लेकिन बल्दियाती कानून पर किसी भी जमात की गलत फरमाइश पूरी नहीं होगी। सूबे सिंध में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत वो ख़राब करना चाहते हों, कुछ कुवतें हों और लिसानी फसादात कराना चाहते हों, सिंधी मुआजिर फसाद कराना चाहते हों, पठान मुआजिर फसाद कराना चाहते हों, तो कोई भी जिम्मेदार सियासी जमात और हुकूमत उनका ये काम है कि उन साजिशों को नाकाम बनाए। मैं पिछले कोई पता नहीं कितने महीनों से कह रहा हूँ कि एमक्यूएम चाहती है कि इस सूबे के अंदर लिसानी फसादात हों। एमक्यूएम की सियासी दुकानदारी चलती उस वक्त है जब ये लोगों को ये एहसास कराते हैं कि तुम इनसिक्योर हो। अगर तुम हमारी जमात में नहीं आओगे, हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, तो तुम्हें कभी वो कहते हैं कि जी तुम्हें पठान मारेगा, कभी कहते हैं तुम्हें सिंधी मारेगा, कभी कहते हैं तुम्हें पंजाबी मारेगा, कभी कहते हैं तुम्हें बलोच मारेगा। ये और लोगों से डरा डरा के उन उर्दू बोलने वालों को अपनी तरफ लेकर आना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।